हेलो फ्रेंड्स, आज एक ख़ास रेसिपी लाई हूँ मैं जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और मैं अक्सर अपने बच्चों को यही टिफ़िन में देती हूँ। वो बार बार यही कहते हैं कि मम्मी हमको यही देना, और उसने अपने मैम को भी दिया था तो उनकी मैम को बहुत पसंद आया, तो ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर पे 2 सीटी लगाई और ये बॉयल हो गए हैं मेरे आलू, और ये हमने प्लेट पे निकाल दिए हैं। अब इनको हम छील लेंगे, और छिलने के बाद कद्दूकस करना ज़रूरी नहीं है, हाथ से भी मैश के कर सकते हैं इनको। ज़रूरी नहीं कि इतना महीन करना है, लेकिन मैंने कर लिया था। और इसको ऐसे करके हमको पूरा बारीक कर देना आलू को, चाहे कद्दूकस से करो या हाथ से या चम्मच से। और इसमें एक बड़ा प्याज काट लेना है, बारीक बारीक सा, जितना बारीक हो सके। कद्दूकस नहीं करना, बस चाकू से बारीक बारीक काट लेना है। और मैंने इसमें 2 मिर्च डाली काट के, और पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और स्वाद अनुसार इसमें नमक पड़ा, और फिर इसमें खटाई डाली, और उसके बाद इसमें सादा धनिया पाउडर डालना है, और खट्टा जितना पसंद हो उस हिसाब से डालना है। इसमें वैसे कसूरी मेथी भी पड़ती है, बहुत टेस्टी होता है कसूरी मेथी डालने से। और थोड़ा सा डाला इसमें मिर्च पाउडर, और हल्का सा गरम मसाला। और ये मैंने इसमें बेसन यूज की है, लेकिन इसमें बेसन नहीं पड़ती है, अरारोट इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ज़्यादा क्रंची बनाना है तो इसमें अरारोट ही डालें। बेसन से मैंने बेबी की वजह से इसमें बेसन डाला है कि उसे सॉफ्ट ही खाना पसंद है। वैसे बड़ों के लिए इसमें बनाना हो तो क्रंची बना सकते हैं अरारोट से। अरारोट से बहुत क्रंची बनते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, इससे इसको मिक्स करना है कि हाथ पे ज़्यादा ना लगे। और बस इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे ढंग से, जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको एकदम सॉफ्ट कर देना है। और ये जलाया मैंने चूल्हा, और ये रखा तवा उसमें, और इस पर ऐसे गोल गोल लोई बना के थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके ये एक एक करके ऐसे टिक्की जैसे डाल देने हैं। वैसे ये टिक्की जैसे ही बनते हैं, लेकिन इसका टेस्ट अलग होता है। ये आलू पकोड़ा जैसे बनता है, ये बहुत उससे भी टेस्टी होता है। और ये हल्का सा तेल डालें, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा तेल इसमें डालना है कि हमारी जो ये पकोड़े बन रहे हैं ये पक जाएं। और 5 मिनट बाद इसको लो फ्लेम में करने के बाद इसको ऐसे पलट देना है किसी भी नुकीली चीज़ से, चम्मच से या चाकू से, किसी भी चीज़ से सबको ऐसे पलटते रहना है 5-5 मिनट में। और मीडियम आंच भी रख सकते हैं, और लो फ्लेम में भी ये और अच्छे बनते हैं। और ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें तेल डालते रहें ताकि वो चिपके ना। और इस तरह से तवे को उठा के इनको ऐसे थोड़ा सा चलाते रहें, और इस तरह से चम्मच से थोड़ा इसको प्रेस करें कि थोड़ा सा दब जाए और अच्छे से पक जाए, क्रंची क्रंची से हो जाए। तो इसलिए थोड़ा इसको हल्के चम्मच से इसको दबाना है, थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, हल्के हाथ से। और ऐसे हमको हिलाते रहना तवा भी कि नीचे ना लगे, वैसे नीचे लगता नहीं है, पर ये मतलब थोड़ा सा इसको अच्छा सा बने, इसलिए इसको अच्छे से ऐसे चला चला के ऐसे पलट पलट के इसको देख लेना है। और इस तरह से बहुत ही कम टाइम में हमारे आलू पकोड़े तैयार हो गए हैं, जिसको बच्चे बहुत मन से खाते हैं, और उनको टिफ़िन भी दे सकते हैं। इसको दही के साथ भी ले सकते हैं, सॉस के साथ भी ले सकते हैं, और चाय के साथ भी नाश्ते की तरह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।